वेलकम बैक व्यूअर्स। किचन में हमारी चीजें काफी हद तक तैयार हो गई हैं। मैंने क्योंकि अभी 5-6 मिनट पहले ही अवन में डाला है बेक होने के लिए, तो 20 से 25 मिनट लगते हैं एप्पल क्रम्बल को बेक होने के लिए, क्योंकि उसमें मैदा होता है, बटर होता है, तो उसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसको मैं बिल्कुल एंड में आपके पास पहुंचूंगी। अलबत्त हमारी बात होना चाहिए, कच्चे मैदे से पेट में दर्द शुरू हो जाती है, तो उसका ख्याल करना। तो मेरी गलती हो गई, मैंने अपनी टाइम मैनेजमेंट सही नहीं की। ठीक है, क्या सिचुएशन? इट्स ऑलमोस्ट डन, ये बिल्कुल इनके रेडी हो चुके हैं। जब इसके ऊपर 1965 जो है वो हम लोग ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, या फिर डिफरेंस डे से रिलेटेड हम इसको कर सकते हैं। हाँ जी, ये देखिए, ये आप लोग देख रहे हैं। देखिए ना, आप अगर किसी भी चीज को बहुत मजा आया, यानी कि थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कि ये इस तरह की भी टी शर्ट ही बन सकती हैं, जो कि डिफेंस डे पे मोस्टली बॉयज पहन सकते हैं आराम से, गर्ल्स भी पहन सकते हैं। थैंक यू जींस, लड़के भी पहनते हैं। थैंक यू सो मच सेला। ओके, और खुश हो गया ना कि हम लोग ही सिर्फ पहनेंगे, बिल्कुल भी नहीं हो, देयर आर अदर पीपल इन द वर्ल्ड आल्सो। आप ये देखें ना कि टैलेंट कितना है, यही खड़े खड़े इतनी सी देर में, मतलब मैं तो बड़ी उसके साथ फिर बंदा जोड़ा बना, बट टी शर्ट एक ऐसी चीज है कि वो कंप्लीट इन इटसेल्फ है। आपने नीचे जीन्स पहन ली, पैंट्स पहन ली, तो योर लुक इज डन। ऑल्सो जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ शलवार कमीज पे ही हो, और भी डिफरेंट चीजों पे हो सकता है। ओके, सो बिकॉज वो यही बात करते हैं, टैलेंट बहुत ज्यादा है। विशाल, ये मुझे बताइए कि आजकल क्या हो रहा है? हम आपको आजकल ऑन एयर नहीं देख रहे, तो हम सोच रहे हैं आप मुझे इंशाल्लाह बहुत जल्दी देखेंगी ऑन एयर। इट्स एन अपकमिंग चैनल, आई एम गोना डू अ करंट अफेयर बेस्ड शो, आई एम गोना होस्ट इट, और बड़े टाइम पे करेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल, आप रिवील कर रही हैं चीजें जो भी नहीं करनी, दीज आर ऑल द सीक्रेट्स यू नो। भाई प्राइम टाइम की एक मार्जिन होती है, हो सकता है उसमें कोई भी टाइम हो, लेकिन अमेजिंग। एंड कुछ हमने ब्रेक में बातें की, हमने सोचा कि वो वक्त के साथ देखनी ज्यादा जरूरी है, पर अदरवाइज आपका सोशल वर्क और जो बाकी सब कम्युनिटी सर्विस के काम करते हैं वो साथ साथ चल रहे हैं? जी बिल्कुल चल रहे हैं। बल्कि अभी मैं कुछ प्लान कर रही थी, बिकॉज वी आर वर्किंग इन अ ग्रुप, मेरी सिस्टर जो है शी इज अ साइकोलॉजिस्ट, यू नो हर, वो कुछ जर्नलिस्ट और कुछ और साइकोलॉजिस्ट मिलके हम कुछ टेररिज्म के जो इफेक्टिव हैं उनकी रिहैबिलिटेशन के हवाले से कुछ काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी। फिर ये कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी है वो हमारे यहाँ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट नहीं होता, स्कूल साइकोलॉजिस्ट इनफैक्ट। आपको शायद बाहर पढ़ रही है, हाँ, बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों की, क्योंकि हम आप देखिए ना क्या कुछ हो रहा है, बच्चों की बच्चों को टेररिज किया जाता है। अगर बच्चे फॉर एग्जांपल किसी इर्द गिर्द किसी टेररिज्म की किसी एक्टिविटी की वजह से डिस्टर्ब है, उनको कोई पूछता ही नहीं। एक्चुअली होम स्कूलिंग का ये बड़ा फायदा है कि आपके थेरेपिस्ट आपके घर पे ही है, आपके साथ आपके पेरेंट्स। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है पाकिस्तान में ना, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जिन्होंने स्कूल से एकेडमी से हटा के, पता नहीं क्या है, शायद ट्रस्ट डेफिसिट है कुछ। ऑल्सो ये जो बात बड़ी प्यारी जो सितारा ने अर्लियर कही कि मिसाल एक्चुअली हर बच्चे को डब्बे में नहीं डाला जा सकता, कुछ बच्चे कंफर्म कर जाते हैं जबरदस्ती, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उसमें खुश हों, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है। एक्चुअली सारा, उन्होंने जब टेररिज्म की बात की तो ये जो आपने मनी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग, मतलब ये अल्फाज बोलते हुए अंधे की जबान पे ही होती है, तो बच्ची ने इस पे सर्टिफिकेट भी ले लिया, तो ये क्या, ये किधर से इंस्पिरेशन आई, हुआ क्या? इसमें यह है कि आई थिंक सब पाकिस्तानी बच्चों का यही दिल होता है कि हम पाकिस्तान में कुछ करें, वी वांट टू सर्व पाकिस्तान। और मेरे ख्याल से कोई अपर एज लिमिट नहीं होती, कोई यंगर एज लिमिट नहीं होती कि जी मैं 25
5 ईयर्स कहेंगी फिर मैं जी जॉब करूंगी फिर मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगी, आप कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहां से स्टार्ट कर सकते हो वहां से। तो जहां मैंने सोचा कि पाकिस्तान का पनामा पेपर्स में अनफॉर्चुनेटली वहां पे हमारे मुल्क की जो रेपुटेशन है वहां से खराब हुई, सो आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट जहां से पाकिस्तान का पता चले कि वी वर्किंग ऑन फिक्सिंग आवरसेल्व्स एज वेल। तो मैं कुछ करना चाहती हूँ, आई वांट टू ब्रिंग चेंज टू पाकिस्तान नाउ, सो आई एम वर्किंग ऑन अ सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेशन। और उसके बाद इंशाल्लाह मेरा एम यही है कि जिस तरह भी पाकिस्तान को सर्व कर सकूं करूं। सो प्राउड ऑफ यू बेटा। ये देखिए कि बच्चे कितने वेल अवेयर है, मतलब बच्चों को कितना पता है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हमारे पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, हमारे लीडर्स क्या कर रहे हैं, और हमें किस तरह से कितनी कंसर्न है ये बच्ची। And the she point wants is to do something for Pakistan. Because सारा दिन इसको टैब नहीं पकड़ाया जाता होगा ना जब छोटी जब इससे छोटी थी। आपकी गैजेट्स वगैरह यूज करती करने we don't, बिल्कुल my parents do allow it, but we don't use social media, और मुझे खुद हम यूज करते हैं। हर एक की चीज के एडवांटेजेस भी होते हैं डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जैसे कि Coursera है edX.org है, ये सारी आपको ऑनलाइन इस तरह की एजुकेशन देते हैं कि हम अपने आप को सोच भी नहीं सकते। हम कहते हैं कि कंप्यूटर का कोर्स जी मैंने कर लिया, अब तो हर चीज ऑनलाइन आ गई। यू कैन स्टडी फ्रॉम हार्वर्ड, येल, आप MIT से एजुकेशन घर बैठे हासिल कर सकते हो। तो उन चीजों के लिए जरूर आई यूज इट, आई यूज माई लैपटॉप, मैं अपने बहन भाई को भी यूज कराती हूँ। और बाकी चीजें भी अच्छी होती है, कार्टून देखना अपनी वैसे सोशल मीडिया की पुलिस, लेकिन एक हद तक आप यू डोंट वेस्ट योर टाइम। आपने आगे जाके क्या करना है? अभी भी इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं तो पता नहीं आगे जाके क्या करेंगे। आपकी जो ट्विन सिस्टर है वो तो अभी फैसला कर रही है कि उन्होंने क्या करना है, आपने क्या फैसला किया है? आई वॉन्ट टू सर्व पाकिस्तान एंड ह्यूमैनिटी एंड आई वॉन्ट टू बी लाइक सर ज़फ़रुल्लाह खान। जो चीजों वाला प्यार होता है ना वो आ रहा है, और मैं कंट्रोल कर रही हूँ कि जो नॉन एयर हो इंसान बनो ऐसे नहीं करो। माशाल्लाह आपको मजीद और ऐसी पॉजिटिव जिस तरह ये बच्चों को इनकरेज कर रही थी, इसी तरह बिहाइंड द सीन्स ऑल्सो शी डज अ लॉट ऑफ कम्युनिटी सर्विस एंड सोशल वर्क एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। शी इज वन ऑफ दोस सेलिब्रिटीज के वो करती रहती है, लोगों को पता नहीं लगता। वही वाली बात है ना, एक हाथ पर हम सबको जिसको भी इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ से आप ज्यादा लोगों को मासेस को जो है वो एड्रेस कर सकते हैं, तो हमें उसको यूटिलाइज करना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ ना कुछ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन जो है टुवर्ड्स योर नेशन टुवर्ड्स योर कंट्री, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया। चला आपका भी शुक्रिया और आपका भी भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। नजरीन आई थिंक मेरी फाइनली डिश तैयार भी हो गई है, वो हम दिखा देंगे, उसको हमने ओवन से निकाल लिया। दी एप्पल क्रम्बल इज रेडी, ऑल्सो आइसक्रीम या क्रीम के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। शायद को उन्हें इम्प्रेस कर दी कि देखो मैं खाने में ना आता है। कोशिश है, आई एम ऑलरेडी इम्प्रेस्ड, की जरूरत नहीं आपको इम्प्रेस करने की। यू आर लव एक्चुअली, थैंक यू। ये नहीं कि मैं आपके सामने नो, यू हैव ऑलवेज बीन वन ऑफ माय
one of my favorite guests to call, but one of my very few favorite media personalities. होता है ना कि हर कोई हर किसी का favorite होता है, but इनका दिल बहुत प्यारा है और उनका talent उससे भी ज्यादा है, तो बड़े मजे का एक combination बन जाता है. Best of luck. Thank you so much. We're rooting for you. Thank you. और finish करेंगे अपने program को, close करेंगे आपके song पे, तो आ जाइए आगे. जी. हया ते का तेनू तले